नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। धीरज साहू, ये नाम आजकल खूब चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इनके अलमारियां नोट उगल रही है, और इतने नोट उगल रही है कि उसे गिनने वाली मशीनें गर्म होकर बंद हो जा रही है। 27 मशीनें जो है वो खराब हो गई नोटों को गिनते गिनते, इतने नोट इनके अलमारियों से निकले। जी हाँ, 530 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इनके घर से कैश बरामद हो चुकी है। ये सिर्फ ऊपर अलमारियों में रखा हुआ धन है, जमीन के अंदर इन्होंने कितना गड़ा के रखा हुआ है इसकी जांच अभी इनकम टैक्स विभाग कर रहा है, और इसके लिए तरह तरह के उपकरण लेकर इनके घर पर इनकम टैक्स पहुंच गया है, और उन मशीनों से जमीने के अंदर जो इन्होंने धन गाड़ के रखा है उसकी खोज इनकम टैक्स विभाग कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो देश के मन में आ रहा है, लोगों के मन में आ रहा है, और आपके मन में भी आ रहा होगा कि अगर इतना पैसा इनके घर से मिल गया है, ये काला धन है, चोरी का पैसा है, तो अब तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये सवाल अभी सोशल मीडिया पर पूछे भी जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक इत्र कारोबारी थे पीयूष जैन साहब, उनके घर से 197 करोड़ रुपए मिले थे तो उनको उठा लिया गया था। धीरज साहू साहब को क्यों नहीं उठा रहे? क्या राहुल गांधी के बहुत करीबी है, इसका फायदा मिल रहा है धीरज साहू साहब को? क्या पुराने कांग्रेसी है इसलिए धीरज साहू को बख्शा जा रहा है, या फिर धीरज साहू का कोई बहुत ऊपरी कनेक्शन है? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा और बताऊंगा कि क्यों अब तक धीरज साहू साहब को पुलिस ने पकड़ा नहीं है या गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि उनके घर का सारा माल उठाकर इनकम टैक्स विभाग वाले ले गए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो पीयूष जैन का मामला है, जो कानपुर के इत्र कारोबारी थे जिनके घर से लगभग 2021 में ये मामला चर्चा में आया था, और 2021 में जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय जो है डीजीजीआई ने पीयूष जैन के इन ठिकानों पर छापेमारी की थी, और डीजीजीआई ने जैन के ठिकानों से 197 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे, और 23 किलो सोने के साथ कुछ बहुमूल्य चीज़ें भी उनके घर से बरामद की थी। और इस मामले में अभी अगर आप जानना चाहें तो पीयूष जैन साहब अभी हालांकि वो जमानत पर चल रहे हैं, जमानत पर रिहा है, लेकिन जांच एजेंसी ने इन पर 497 रुपए की और पेनल्टी लगाई थी। वो तो बरामद किया ही किया, इसके अलावा 497 करोड़ रुपए पेनल्टी का एक नोटिस इनको थमाया जा चुका है, और इसके अलावा आयकर विभाग भी इनके ऊपर बड़ी पेनल्टी लगाएगा, जो अभी जांच चल रही है कि कितनी पेनल्टी इनके ऊपर लगाई जानी चाहिए। लेकिन पीयूष जैन साहब जो थे गिरफ्तार थे, वो जमानत पर रिहा, लेकिन धीरज साहू साहब को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? तो इस सवाल का जवाब यह है कि धीरज साहू मामले में अगर आप देखेंगे तो धीरज साहू के यहां पर जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई में कहा यह भी जा रहा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और सबसे ज्यादा जो है धन इनके घर से जब्त किया गया है, 550 करोड़ रुपए के से ज्यादा का धन मिला हुआ है, और ये अब तक का सबसे बड़ा काला धन है। लेकिन इतनी बड़ी धनराशि मिलने के बावजूद अभी तक धीरज साहू को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि पीयूष जैन साहब को तुरंत गिरफ्तार किया गया था, 11 महीने वो जेल में रहे, उसके बाद उनको जमानत मिली। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा झोल ये है, हालांकि पीयूष जैन साहब भी बड़े कारोबारी थे, उनके भी पॉलिटिकल लिंक्स थे, इनके अगर पॉलिटिकल लिंक्स हैं तो आपको बता दें कि इनको पॉलिटिकल लिंक का कोई जो है वो लाभ नहीं मिल रहा है, या इस वजह से इन पर जो गिरफ्तारी वाला एक्शन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। मामला ये है कि पीयूष जैन साहब पर जो कार्रवाई की थी वो जीएसटी डिपार्टमेंट ने की थी, और जीएसटी डिपार्टमेंट के पास अधिकार होता है कि वो कार्रवाई के बाद तुरंत अरेस्ट भी कर सकते हैं जो आरोपी है उसको। लेकिन इनकम टैक्स का जो एक्ट है हमारा, 1961 में जो बना हुआ एक्ट है इनकम टैक्स का, उसमें जांच एजेंसियों को अरेस्ट का पावर ही नहीं है। इसी वजह से जो धीरज साहू साहब है ये अब तक सकुशल जो है वो बाहर घूम पा रहे हैं। अगर कोई दूसरी एजेंसी उनके ऊपर कार्रवाई कर देती, ईडी कार्रवाई करती या बाकी दूसरी एजेंसी कार्रवाई करती, तो ये अब तक कब के गिरफ्तार हो चुके होते। तो जो इनकम टैक्स का एक्ट है 1961 का है, वो ये कहता है कि आयकर विभाग के पास गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है, और इस एक्ट के तहत सिर्फ एजेंसी छापेमारी कर सकती हैं, और छापेमारी करके धन को जो है वो जब्त कर सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा सर्च होने के बाद जो असेसमेंट और प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है, और कोर्ट की ओर से
इनको सजा कराई जा सकती है, मतलब एजेंसी खुद गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो इसलिए जो है वो धीरज साहू साहब जो है ये बाहर अभी तक है। लेकिन CGST जो एक्ट है उसका सेक्शन 69 जो है वो गिरफ्तारी का अधिकार देता है। इसीलिए पीयूष जैन के ऊपर जो कार्रवाई की गई थी वो केंद्रीय GST विभाग की इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से की गई थी, और CGST सेक्शन 69 जो है 69 जो सेक्शन है CGST का, उस सेक्शन के तहत विभाग को तत्काल गिरफ्तारी का पावर मिला हुआ है। इसलिए उन्होंने एक उनको तुरंत गिरफ्तार किया था, और तकरीबन एक साल मतलब 11 महीने के बाद पीयूष जैन साहब को जमानत मिली थी। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भले ही धीरज साहू साहब बाहर घूम रहे हो लेकिन अब इनकम टैक्स विभाग जब सारा असेसमेंट कर लेगा, माल इनकी सारी जब्ती हो जाएगी, तो बाकी एजेंसियां भी जो है इन पर मुकदमे दर्ज करेगी, इन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। हो सकता है फिर GST विभाग भी पहुंच जाए इनका डेटा खंगालने, और तब फिर ये बच नहीं पाएंगे। हालांकि अभी भी इनकम टैक्स विभाग जो है वो कोर्ट जाएगा ये सारा असेसमेंट लेकर, और उसके बाद कोर्ट में मामला चलेगा, और उसके बाद फिर कोर्ट से सजा अगर इनको मिलती है, इस मामले में दोषी पाए जाते तब ये जेल जाएंगे। लेकिन आपके मन में अगर जो प्रश्न उठ रहा होगा कि इतना सारा धन मिलने के बाद भी इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, तो ये अगर आपकी भूल है कि राहुल गांधी जी की कृपा है जिसकी वजह से इनको नहीं पकड़ा जा रहा है, तो इस भूल को आप, इस गलत फहमी को दूर कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कितना भी पावर किसी के भी पास हो लेकिन कानून के आगे सब बराबर होते हैं। लेकिन भारतीय कानून में बहुत सारी झोल है, एक कानून आपको सजा देता है तो दूसरा कानून जो है हमारी जो CRPC में वो आपको बचा भी ले जाता है। तो इसीलिए जो इनकम टैक्स का 1961 का बना हुआ कानून है उसमें आपके से माल तो जब्त किया जा सकता है लेकिन आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इसीलिए इस देश में लोग खुलेआम इनकम टैक्स की चोरी करते हैं और खुलेआम पैसे को घर में जमा करते हैं। तो अब हो सकता है कि इस मामले के बाद मोदी सरकार या भारत सरकार इस पर कुछ संज्ञान ले, और जैसे बाकी कानून बदल रहे हैं इस कानून में भी कोई बदलाव किया जाए, ताकि ऐसे जो जमाखोर है, जो भारत सरकार को चूना लगाने वाले लोग हैं और जो काला धन जमा करने वाले लोग हैं, उनमें भी खौफ पैदा हो और एक जेल जाने का डर उनके मन में बना रहे। खबर पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए VK News। नमस्कार। VK News, राष्ट्र के नाम।